अब चूंकि अनामिका के कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए सासू माँ शारदा अनामिका के साथ बहुत क्रूर व्यवहार करती थी। अब अनामिका बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तो इस वजह से वो सुबह शाम सिर्फ रोती रहती थी। साथ ही साथ घर का काम और खाना पकाया भी करती थी। दुखी होकर चुपचाप अनामिका को खाना पकाते देख उसकी निर्दयी सासू माँ उसके पास आती है। बहू रो रो के खाना पका रही है, ये देखकर सासू माँ गुस्से से फन उठा के उसे कटकटा के कहती है, जब देखो बस रोती रहती है, रोती हुई औरत, छिछी, इतना रोना ही तो इसका अभिशाप है, इसीलिए शादी के 2 साल हो चुके हैं, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं, बांझ औरत। ऐसा कह के वो अनामिका के सर पे एक जोरों का वार करती है। वार की वजह से दर्द होता है और अनामिका रोने लगती है। क्यों सासू माँ, हर बात बात पे आप मुझे बांझ बांझ क्यों कहती है और ऐसा कह के मेरे सर पे मारती है। एक तो ये कड़क बातें, ऊपर से ये चोट, मुझे बहुत तकलीफ होती है माँ जी, क्या आपको थोड़ा भी एहसास है? जिस औरत के बच्चे नहीं होते हैं वो बांझी होती है, समझी पापी औरत, सच कह रही हो तो बहुत गुस्सा आ रहा है ना? आप जो मुझे बार बार कहती है ये सारी गंदी बातें, आपका बेटा आता है तो उससे आप क्यों नहीं कहती? कभी आपने उनसे कहा है कि एक बार डॉक्टर से जाके मिलाओ? नहीं, उन्हें नहीं कहेंगी, पर जितनी कटु बातें होंगी बस आप मुझे कहेंगी, आके मेरे सर पे मारेंगी आप, है ना? अनामिका के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद शारदा को और गुस्सा आने लगता है। बहुत घमंड है ना तुम्हें, आज तक मेरे बेटे ने तुम्हारे मुँह पे कुछ नहीं कहा, सीधा मंगलसूत्र पहना के घर ले आया और तुम होके जुबान लड़ा रही हो, वो भी मेरे साथ। ऐसा कह के शारदा ने अनामिका को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि रमेश, जो बगान के पौधों में पानी डाल रहा था, वो एक पेड़ में देखता है कि फूल नहीं है और अपनी माँ शारदा को वो आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही वो अनामिका के ऊपर हाथ नहीं उठाती है, पर वो अनामिका को धकेल देती है जोरों से। बस किचन में रखे हुए बर्तनों में जाके अनामिका ठोकर मारती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। परवाह ना करते हुए शारदा अपने बेटे के पास चली जाती है। क्या हुआ बेटा, क्यों बुला रहे थे? देखो माँ, इस पौधे में फूल नहीं है, क्या मैं इस पौधे को उखाड़ के इस जगह पे दूसरा पौधा लगा सकता हूँ? अरे बेटा, तुम्हें फूल की पड़ी हुई है, तुम अपने बांझ पत्नी के बारे में सोचो। बच्चों के मामले में गलती तो मेरे तरफ से भी है माँ। ओहो, बगान से ही मैं तुम्हारी पत्नी से क्या कह रही थी सुन रहे थे? अरे नहीं माँ। देखो रमेश, ऐसी बहुत औरतें हैं जो बांझ होती है, जैसे तुमने कहा पेड़ में फूल नहीं है तो उस पौधे को हटा के वहाँ एक नया पौधा लगाने की बात की ना, उसी तरह अनामिका को छोड़ के जो बच्चे देगी उस औरत को ले आओ। ठीक है माँ, तुम्हें पता है कि जिंदगी मेरी कैसे चल रही है, तुमने जो कहा वैसा ही करूँगा। देर मत करो बेटा, जाओ बीवी को बुलाओ। अभी बुलाता हूँ माँ। ऐसा कह के वो अनामिका को जोर से आवाज लगाता है। अनामिका, अनामिका, जल्दी से बगान के तरफ आना। वो इस तरह से अनामिका को आवाज लगाता है। सर पे चोट लगने के बावजूद आवाज मिलते ही वो बगान में भाग के आती है। उसके सर से तभी भी खून निकल रहे थे। लो माँ, तुम्हारी बहू आ गई है, अब जो कहना है कहो। ऐसी बांझ औरत की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी स्वभाव की लड़की देखकर धूमधाम से शादी कराऊंगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के मानो अनामिका दंग रह जाती है। खुद को संभालते हुए वो अपने पति को सवालों के नजरों से देखती है, पर रमेश इस बात का परवाह नहीं करता। अपनी माँ की बातों पे गौर करते हुए कहता है, देखो अनामिका, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अभी भी अच्छे से कह रहा हूँ। आज ही अपना कपड़ा लाता अच्छे से बांध लो और सीधा अपने मायके चली जाओ, नहीं तो फिर जान लो लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, फिर मुझे तुम्हें जबरदस्ती भेजना पड़ेगा, समझी? मेरे सर से खून बह रहा है, देख के लगा था पूछेंगे कि अरे अनामिका तुम्हें क्या हो गया है, पर आपको ये तो दिख ही नहीं। ठीक है, मेरी जान चली भी जाए पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, जोर देकर वो कहती है। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा का दिमाग और गर्म हो जाता है। शारदा अपना पैर उठाती है और जोर से अनामिका को एक लात लगाती है। अनामिका जाके गिरती है, इससे भी शारदा का गुस्सा नहीं कम होता, वो जाके सीधा अनामिका का बाल खींच लेती है। अनामिका रोते रोते उल्टियां करने लगती है। उन उल्टियों से अनामिका को समझ में आ जाता है कि वो माँ बनने वाली है, इससे वो खुश होती है। फिर प्यार और स्नेह से
वो अपने पेट को छूती है और रमेश के तरफ देखती है। अजी, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर रमेश भी बहुत खुश होता है। माँ, माँ तुमने सुना, मैं पिता बनने वाला हूँ और आप दादी बनने वाली है। बाबू, अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं, पहले पता लगाओ पेट में क्या है, पेट के अंदर लड़का है या लड़की। शारदा की ऐसी बातें सुनके उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या कहना चाहिए। वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। माँ, तुम क्या कह रही हो? देखो बेटा, अगर पेट के अंदर बेटा है तो मैं खुश होंगी, मैं धूमधाम से तुम्हारी पत्नी का श्रीमंथन कराऊंगी, पर अगर वो एक कोई लड़की हुई तो उसके जाके अबॉर्शन करा देना, यहाँ से ले जाओ उसे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, हम भी तो महिलाएं हैं, अगर लड़की पैदा होगी तो माँ लक्ष्मी पैदा होगी माँ जी। देखो बहू, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। शारदा की ऐसी बात पर जब अनामिका कुछ कहने वाली थी, बीच से रमेश घुस के कहने लगता है। देखो अनामिका, माँ को पुत्र संतान चाहिए, अगर तुम दे सकती हो तो पुत्र संतान दो, समझी ना। ये सुनकर अनामिका आश्चर्य रह जाती है। बिना परवाह किए रमेश वहाँ से अंदर चला जाता है। दुखी दुखी दिन गुजर रहे थे अनामिका के। एक दिन रमेश अनामिका को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच करके रिपोर्ट भेजती है। इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अनामिका के पेट में कन्या संतान है। अब शारदा और रमेश जबरदस्ती अनामिका का बच्चा गिरवाना चाहते हैं। मैं किसी भी हालत में अबॉर्शन नहीं करने दूंगी। फिर तुम इस घर में बहू होके नहीं रह सकती हो, मायके जा सकती हो। आप और आपका बेटा गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, ये कहकर मैं पुलिस में कंप्लेन दूंगी। ये बात सुनते ही शारदा और रमेश बहुत परेशान हो जाते हैं। अनामिका अगर कैसे भी पुलिस में जाके कंप्लेन कर देती है तो रमेश और शारदा को जेल जाना पड़ सकता है। इस बात को लेकर सोच में पड़ जाते हैं। एक दिन रात में रमेश दूध में नींद की दवाई मिला के अनामिका को पिला देता है, पर अनामिका को रमेश और शारदा के परिकल्पनाओं के बारे में पता चल जाता है तो वो घर से भाग जाती है। केशवपुर गांव में चुनाव के बाद अनामिका सरपंच बन जाती है। अनामिका गांव में बहुत अच्छा काम करती है, जिस वजह से उसका गांव पहले नंबर पे आता है। उससे जितना बन सके वो बढ़ चढ़ के गांव वालों की मदद करती थी, जिस वजह से सभी उसे देवी रूप सम्मान करते थे। पर थोड़ा भी अहंकार नहीं था इस बात के लिए अनामिका को। सरपंच की कुर्सी पे बैठ के वो कई तरह के निर्णय ली, कई रिश्तों को उसने जोड़ा, कई रिश्तों को अपने दम पे खड़ा कर दिया। तभी अनामिका के पास एक पैसों से जुड़ा हुआ मामला आता है। उसी गांव में तिरुपति और उसकी चचेरी बहन भवानी रहती थी। तिरुपति की सुकन्या से शादी होती है और भवानी की सुधाकर से शादी होती है। दोनों की ही दो बेटियां थी जिनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। पिछले साल ही तिरुपति की बेटी की शादी हुई, जिस वजह से उसने 1,00,000 रुपए भवानी से उधार ली थी, जिससे वो कुछ गहने खरीदे थे। अब भवानी की बेटी की शादी तय हो गई तो भवानी को अब पैसों की जरूरत थी। अब सुधाकर और भवानी दोनों आते हैं तिरुपति के घर अपनी बेटी की शादी का न्योता देने। तिरुपति भी उनका हंसी खुशी से स्वागत करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। तभी सुकन्या चारों के लिए चाय लेकर हॉल में आती है, चाय पीते हैं। फिर भवानी अपनी बेटी का शादी का कार्ड निकाल के तिरुपति और उसकी पत्नी को देती है। भैया, हमें अब पैसों की जरूरत होगी, जो 1,00,000 रुपए हमने आपको दिए थे वो लौटा देंगे तो अच्छा रहेगा। कैसी बात कर रही हो भवानी, मैंने तुमसे 1,00,000 रुपए कब लिए, तुम सपने देख रही हो क्या? वो बात नहीं है, एक बार तुम। सुकन्या जब इस तरह बीच में कहने जा रही थी तो तिरुपति गुस्से से कहने लगते हैं, तुम मुंह बंद रखो, चाय का कप लेके अब तुम अंदर जाओ। फिर सुकन्या बिना कुछ कहे चाय के खाली कप लेकर किचन की तरफ चली जाती है। तभी भवानी अनुरोध करते हुए कहती है, अरे भैया आप ऐसा मत कहिए, अच्छे से याद कीजिए, मैंने आपकी बेटी की शादी में आपको पैसे दिए थे, मैं क्यों सपने देखूं, आप सच बोलिए ना। देखो भवानी, शादी के लिए अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो मैं लेके दे सकता हूँ, पर झूठ कह के इस तरह से पैसे लेने की बात तुम क्यों कह रही हो? इस तरह पैसे लेने की बात को वो छुपाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से लड़ाई हो जाती है। अब गुस्से में आके सुधाकर और तिरुपति बहस करने लगते हैं। इस वजह से भवानी और उसके पति पंचायत अनामिका के पास जाते हैं न्याय के लिए, पूरी बात उन्हें बताते हैं। ये सुनके ग्राम पंचायत अनामिका कहती है, देखिए अब आप मेरे पास आइए तो दुखी मत होइए, कल पंचायत में मिलते हैं
और सारे गांव वाले के समीप खड़े होके चर्चा करते हैं। आपको न्याय जरूर मिलेगी। जाइए, अब घर जाइए। अनामिका के ऐसे कहने पे भवानी और उसके पति नमस्ते कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पंचायत में जाने से पहले अनामिका दीवार पे अपनी सासू माँ की जो तस्वीर टंगी हुई थी उसके सामने नमस्कार करते हुए वो कहती है, सासू माँ, आपके पंचायत बनने के कुछ ही महीने बाद आप चल बसी। आपको सम्मान करते हुए लोगों ने मुझे सरपंच की कुर्सी पे बैठाया। आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं बिना लालच के इस सरपंच की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूं। फिर अनामिका अपनी सासू माँ की फोटो को प्रणाम करके पंचायत के लिए निकल जाती है। अनामिका जाके पंचायत की कुर्सी पे बैठती है। एक तरफ भवानी और उसके पति खड़े थे और दूसरे तरफ तिरुपति और उसकी पत्नी खड़ी थी। भवानी पूरी बात खुल के बताती है। अनामिका भवानी के बातों की सच्चाई को समझ लेती है। फिर वो धीरे से तिरुपति से कहती है, तिरुपति बाबू, आपने सुना आपकी बहन ने क्या कहा? आपको भी पता होगा कि आपकी बहन भवानी की बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सरपंच मैडम, आप ही बताइए कि अगर मैं पैसा लिया होता तो क्यों वापस नहीं करूँगा, जबकि उसकी बेटी की भी शादी तय हो गई है। हाल ही में मैंने एक जमीन भी बेचा, वो मैंने भवानी को नहीं दिया, वो 1,00,000 में मांगी थी। सब इसीलिए वो कह रही है, यह सब दुर्बुद्धि है उसकी। अरे भैया, मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ, ना ही कोई दुर्बुद्धि है मेरी। आपने मुझसे 1,00,000 रुपए उधार ली है। फिर से वही बात कह रही हो, अगर तुम्हें बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए तो 1,00,000 नहीं, मैं 2,00,000 दूंगा। सिर्फ इस बात के लिए मेरे ऊपर तुम इस तरह से इल्जाम मत लगाओ। तुम सीधा मुंह कहोगी तो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। दोनों तरफ सुनने के बाद अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में झूठ कौन बोल रहा है, पर उसके दिल में ऐसा लग रहा था कि तिरुपति झूठ बोल रहा है। भवानी, जब तुम पैसे दी थी तो किसी कागज में लिखा पढ़ी की थी क्या? नहीं मैडम। भवानी, कोई ऐसा था जिनके सामने तुमने अपने भाई को इतने पैसे दिए होंगे? हाँ, मेरे पति वहाँ पे थे जब मैंने भैया को पैसे दिए थे। आपके पति को स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपके परिवार के सदस्य के अलावा कोई और है? नहीं दीदी। पर एक बात बताइए, बिना किसी कागजी कार्रवाई या गवाह के आपने इतने पैसे कैसे दे दी? हम बचपन से ही भैया भाभी को इतना सम्मान करते हुए आए, लेकिन ये नहीं पता था कि पैसों के लिए आज वो इस तरह से मुकर जाएंगे। सारी चीजें ऐसे अचानक ही होती है। बिना किसी गवाह या सबूत के कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि तिरुपति ने पैसे लिए हैं, सिर्फ मैं ही क्यों। पर एक बात मैं कह सकती हूँ, तिरुपति तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार है। ये मत सोचो वो तुम्हें मदद कर रहे हैं, ये सोचो तुम उनसे उधार ले रही हो और 6 महीने के अंदर तुम पैसे वापस कर देना। ठीक है मैडम, आपने जो कहा उसके लिए मैं तैयार हूँ। वो बस 1,00,000 कहीं से इंतजाम कर दे, फिर मैं उन्हें 6 महीने के अंदर वापस कर दूंगी। देखो तिरुपति, मदद सोच के तुम भवानी को पैसे दे दो, पर भवानी तुम्हें उधार सोच के वो पैसे 6 महीने में वापस कर देगी। इस बात पे तिरुपति राजी हो जाता है। भवानी की बेटी की शादी हो जाती है, वो ससुराल चली जाती है। देखते ही देखते 6 महीने निकल जाते हैं। तिरुपति पैसा मांगे तो अब भवानी पैसे नहीं देती। फिर तिरुपति बिना कुछ किए सीधा पंचायत बैठाता है इस बात के लिए। भवानी और उसके पति भी आते हैं। तिरुपति 2 गवाह लाया और भवानी के लिखित कागज के साथ वहाँ पे आया। अनामिका सब कुछ जांच करती है, तभी भवानी पूछती है, अध्यक्ष महोदया, आप भी उस दिन वहीं पे थी? मेरे भैया ने बेटी की शादी के लिए उधार के रूप में नहीं बल्कि मदद के रूप में 1,00,000 रुपए दिए थे। उन्होंने मुझे माफ कर दिया, भले ही मैंने उनके खिलाफ साजिश रची, फिर भी उन्होंने पैसे देकर मुझे मदद की, मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। पर उन्हें मैं पैसे वापस करके सबके सामने छोटा नहीं करना चाहती हूँ। तिरुपति जी, आपने सुन लिया, उस दिन आपने अपनी बहन को पैसे दिया था मदद के रूप में, उधार के स्वरूप नहीं। अब पैसे वापस देना नहीं देना पूरी तरह से भवानी की मर्जी, इसीलिए जो गवाह या कागजात आप साथ लाए हैं उसे मंजूर नहीं की जाएगी, आप जा सकते हैं। अध्यक्ष अनामिका की ऐसा न्याय देखकर तिरुपति की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। तिरुपति भवानी को माफ करने को कहते हैं, भवानी माफ कर देती है। फिर शुभचिंतकों की तरह वो पहले जैसा रहने लगते हैं।